तस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। पाठ परिचय है, सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय खंड काकोलुख्यम से संकलित है। इसमें गद्य पद दोनों रूप में शिक्षाप्रद कथाएं दी गई है। कथाओं के पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। इस कथा के मुख्य पात्र जो है पशु पक्षी है। और प्रस्तुत शिक्षाप्रद पाठ कथा के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने गीदड़ के बारे में बताया कि गीदड़ जो भविष्य की सूचना कैसे उसने समझदारी दिखाई। पहले मैं संस्कृत का भी उच्चारण करूंगी और साथ में आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी। कस्मिश्चित वने खनखर नाम सिंह प्रतिवस्ती सब। किसी वन में खनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने किसी समय इधर इधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तथा सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत। तब उसी उस टाइम उसने सूर्यास्त के समय एकां महती यानी बड़ी गुफा को देखा। स अचिन्तयत और उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। शेर ने सोचा कि भाई निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। अस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिकुच नामक शृंगाला समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिकुच नामक गीदड़ दधिकुच नाम का गीदड़ वहां पर आ गया। सह च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदतिह गुहायां प्रविष्टा। और वह जैसे ही देखता है कि तभी उसे शेर के पैरों के चिन्ह प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरा गत्ता। देखता है कि भी गुफा का शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर की तरफ आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृंगाला अचिंतित तो गिदड़ ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, ओहो मैं तो नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्तिति तर्कयामि। अवश्य ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोच रहा हूं कि निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर तो कोई शेर है। तब किम करवाणि, तो क्या किया जाए, इसलिए अब मैं क्या करूं, निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर तो एव विचिन्त्य दुरस्ततरं कुर्तु मारब्ध। और इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित होकर आवाज करने लगा। ऐसा सोचकर कि भी निश्चित रूप से इसके अंदर शेर है, ऐसा सोचकर वह गुफा से दूर खड़ा होकर आवाज करने लगा। आवाज करता है कि हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया त्वया सह समय कर्तोस्ति यत् यदहं बहतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि भी मेरे द्वारा यदि क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा यदि तुम मां न आयसी तर
यास्यामी इति। यदि मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा उसने बाहर से दूर से गुफा के बाहर खड़ा होकर आवाज की। ठीक है, आज इतना ही। फर्स्ट का सेकंड पैराग्राफ, अगला थर्ड।